हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है सचिन और आप सभी का गाइस फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि आज करने वाले हम लोग सुबह 4 बजे चैलेंज, बट इतना लेट हो गया कि पूछो मतलब रात को घर पे मैंने बिल्डिंग के नीचे गाइस मैं पहुंचा था 2 बजे। उसके बाद मैं घर पे जाके फ्रेश हुआ, खाना वाना खाया, मुझे मतलब फ्रेश होते खाना खाते खाते गाइस मुझे बज गए थे 3:15, 3:30 बज गए थे। तो इतनी हालत डाउन हो गई थी कि मैं बोला नींद करना जरूरी है, क्योंकि नींद नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। तो मैंने सो गया था और लगभग गाइस 5:45 बजे उठा और कैसे भी करके गाइस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलने की कोशिश की और लगभग गाइस 7:45 बजे मैंने दोनों ऐप को कर दिया ऑन। और अभी गाइस सुबह के बज रहे 8:10, आप देख सकते हो घड़ी के अंदर, और मैं जस्ट अभी पहुंचा हूँ गोरेगांव, क्योंकि जैसे मैंने गाइस ऑन किया, ट्रिप को ऑन किया, वैसे गाइस मुझे सबसे पहला ट्रिप मिला गोरेगांव का, जो लगभग 45-48 किलोमीटर था। जस्ट अभी पैसेंजर को यहाँ पे ड्रॉप किया और लगभग उसका अर्निंग भी मेरे ख्याल से लगता है 480 रुपये का गाइस अर्निंग हो गया। तो दिन की शुरुआत अच्छे से हो गई और सोचा सबसे ज़्यादा अर्निंग करेगा। और गाइस इस मंथ में आपको मेरे गाइस डेली वीडियो आएंगे और डेली जो भी अर्निंग है वो भी आप लोगों को मैं गाइस दिखाने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। शायद ये महीना गाइस मैंने ऐसे सोचा कि एक भी छुट्टी नहीं करेंगे, मतलब पूरे 30 के 30 दिन काम करूंगा। और आपको जैसे मैंने आपको पिछले 10 दिन के मतलब 2 महीने पहले मैंने 10 दिन का जो कैलकुलेशन बताया था कि मेरा कितना CNG गया, मेरा कितना टोल गया, हर चीज़, तो ये इस महीने मैंने सोचा गया, क्योंकि एक महीना कंटिन्यू काम करना वो भी बहुत मुश्किल की बात है। तो भी पूरी तरीके से गाइस मैं कोशिश करूंगा। और आज पहला मैं कामगार दिन है, मतलब जो वर्कर्स डे, तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी वर्कर्स डे। और जो भी है, जितना भी है, जो भी अर्निंग होगा सब आपको दिखाऊंगा, जो भी एक्सपेंस होगा वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, कितना CNG पैसा जाता है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, टोल जितना जो भी हर चीज़ एक एक पॉइंट में आप लोगों को गाइस रोज में बताने वाला हूँ, मैं लिख के रखने वाला हूँ। जैसे मैं आपको बताया था कि ये चीज़ मैं नोटबुक रख के लेके रखा हूँ, हर चीज़ उसके अंदर मैं मेंशन करूँगा, कितना मेरा अर्निंग हुआ है, कितना मेरा ओला से अर्निंग हुआ, कितना उबेर से अर्निंग हुआ, वो आपको महीने के बाद में पता चलेगा, मतलब 1 महीने के बाद में। तो आज से मैंने दिन की शुरुआत अपनी अच्छे से हो गई, आज पहला दिन है, पहला ट्रिप भी खत्म हो गया और सुबह 7 बजे मैंने ऑनलाइन कर दिया कि देखूंगा मतलब जो भी है। मैं आप लोगों को इसमें जो चैलेंज मैंने किया कि कंटिन्यू 30 दिन कंटिन्यू एक भी छुट्टी नहीं करना है और 30 दिन हमें काम करना है और आप लोगों को गाइस मेरे को वो पूरा अर्निंग आप लोगों को दिखाना है। तो अभी पहला ट्रिप एंड हो गया, दूसरा ट्रिप मुझे वापस ओला की तरफ से आया है, तो कर लेते दूसरा ट्रिप भी। और प्लीज़ गाइस वीडियो में बने रहना, वीडियो को एंड तक देखना, और गाइस चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको मेरे इस चैनल पे गाइस मिलते रहेंगे और कंटिन्यू मिलेंगे। अभी तो डेली 9 बजे गाइस कोशिश भी करूंगा कि डेली 9 से 10 बजे तक डेली का मेरा वीडियो अपलोड हो जाए करके, ठीक। और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया है, आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मुझसे बात कर सकते हो। तो लेते गाइस सेकेंड ट्रिप और करते आज के वीडियो को कंटिन्यू। गाइस फाइनली आज का दूसरा ट्रिप भी मेरा कंप्लीट हो चुका है और मैं जस्ट अभी पहुंचा हूँ वडाला में। मुझे जो ट्रिप लगा था लगभग 21 किलोमीटर था गाइस गोरेगांव से वडाला का, और मुझे उसका अर्निंग मिला 270 रुपीज़, 270 रुपये। और सुबह का जो मुझे ट्रिप था 449 रुपीज़ मिला था, मतलब 450-700 रुपीज़, मतलब लगभग 750 रुपये का अर्निंग मेरा अभी तक का हो गया। और गाइस अभी सुबह का देख सकते हो बजा 9:15 बजे, मतलब 9 को अभी 10 कम, मतलब 8:50 अभी सुबह के बज रहे। अभी देखते हैं यहाँ से कोई बुकिंग आ रहा है कि नहीं, मतलब जितना हो सके गाइस उतना ट्रिप पटआउट लेते, मतलब जितना मतलब आज ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करना है। और कल से एकदम हमारा गाइस टाइम, मतलब मेरा जो टाइम शेड्यूल होगा एकदम प्रॉपर होगा और 30 के 30 दिन में कंप्लीट राइड करूंगा। जो मेरे दिमाग में जो टारगेट है गाइस वो टारगेट कंप्लीट होता है या नहीं होता है वो देखना, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पहले के रेट्स में और अभी के रेट्स में मतलब काफ़ी फर्क है, मतलब हर जो ट्रिप होता है उसके अंदर उबेर या ओला 10 रुपये पर किलोमीटर के से ज़्यादा ही देते हैं, मतलब कभी 12 रुपये, कभी 13 रुपये, ठीक है, और देता है ये हर चीज़ में। मैंने वीडियो में स्क्रीनशॉट में मैंने देखा है, प्रूव करके देखा, अभी भी जो समझो 21 किलोमीटर था तो मुझे उसका 270 रुपये मुझे मिला, ठीक है। तो अभी जैसे अभी पहुंचा, आज के दिन का 2 ट्रिप कंप्लीट हो गए, अभी यहाँ से देखते हैं मुझे थर्ड ट्रिप कौन सा मिलता है, ठीक है। टाइम यूज नहीं करना है हमें, फटाफट ट्रिप लेना और सबसे ज़्यादा अर्निंग करना है हमें रात के 9 बजे तक। और गाइस यहाँ पे जस्ट अभी यही वाले ये वडाला के लोकेशन पे अभी पैसेंजर को जस्ट ड्रॉप किया। और गाइस एक बात बता दूं, मुझे मतलब काफ़ी मतलब लोगों ने मुझे मेरे जो फ़ैन मैंने लगाया वो फ़ैन के बारे में भी काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया। अभी जो पैसेंजर थे जो जिनको मैंने गोरेगांव से पिकअप किया था, उस पैसेंजर ने भी गाइस मेरे फ़ैन की तारीफ की, मतलब जो पैसेंजर पीछे बैठे थे उनको पीछे AC का पूरा कूलिंग मतलब पीछे तक आता है। तो ऐसे नहीं, मतलब काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया इसके बारे में आज भी जो। और कभी कभी कोई गाइस पैसेंजर तो मतलब अच्छी बात करता है, कुछ हमें अच्छे बात बोल के जाता है, तो सच में ऐसा लगता है कि दिन पूरा दिन का आज का अच्छा जाने वाला है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड कुछ तो योगा क्लासेस है उनका, तो यहाँ पे उनको जस्ट ड्रॉप किया लेफ्ट साइड में यहाँ पे।
अभी देखते हैं। अभी उबेर को भी मैंने चालू किया क्योंकि दो ट्रिप ओला का हो गया और आज के दिन जो मेरा प्रमोशन था उबेर की तरफ से, तो इतना कुछ खास है नहीं, तो भी देखते हैं। यहाँ पे सब चंद खड़े है, देखते हैं ओला से भी कोई बुकिंग, उबेर से कोई बुकिंग आता है कि नहीं। ये वड़ा वाला लोकेशन है, कोई कोई लोकेशन क्योंकि ऐसा होता है ना जहाँ से जल्दी कोई बुकिंग जल्दी आता नहीं, इसलिए थोड़ा चेंज करने का एक ही जगह पे रुक के कोई मतलब नहीं। दो चार किलोमीटर अगर आगे जाने से अगर आपको कोई ट्रिप मिलता है तो अच्छी बात है। जहाँ पे पैसेंजर को छोड़ा था वहीं से वापस मुझे बुकिंग आया थाने विवेश का। जैसे आगे जा रहा था मुझे बुकिंग उतने में ओला की तरफ से आया और लोकेशन भी शायद वही है लगता है, देखते वहाँ पे जाके। ठीक है, मतलब जहाँ पे मैंने देखते भी वहाँ पे जाके, तीन मिनट मुझे, दो मिनट मुझे बता रहा है थाने विवेश का बुकिंग है। सुबह सुबह ट्रैफिक होता नहीं है, फटाफट जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग लेने का, मतलब हमारा जो अर्निंग है ना गाइस उसमें अर्निंग में काफ़ी सारा फर्क पड़ता है। ठीक है, और मुझे ये चीज़ मैंने अभी देखा है क्योंकि पिछला महीने काफ़ी मैंने मतलब मेरा ज़्यादा काम के लोड की वजह से ना ही टाइम दे पा रहा था बराबर काम के ऊपर और ना ही बराबर अपने चैनल पे मैं बराबर से ध्यान दे रहा था वैसे। तो अभी कंटिन्यू करेंगे एकदम प्रॉपर टाइम से, जैसे मेरा पहला काम था कि टाइम टू टाइम उठना, काम पे निकलना और डेली का जो हमारा अर्निंग का जो टारगेट है उसको कंप्लीट करना। जब तक हम टारगेट के बारे में सोचेंगे नहीं तब तक टारगेट हमारा कभी कंप्लीट होगा नहीं। तो डेली हमारा जो टारगेट उसको पहले सबसे दिमाग में पहले सोच लेना कि हमारा दिन का आज का टारगेट क्या करके। देखो गाइस सेम लोकेशन पे बुकिंग है, यहाँ से लेफ्ट यही पे था मैंने भी जो पैसेंजर को ड्रॉप किया था। यही कौन सा तो बिल्डिंग है गाइस, देखते पैसेंजर को कॉल करते और मिलते। देखो लकीली कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो लोकेशन हमको वहीं पे मिल जाते हैं, इसके लिए दोनों ऐप अच्छे, एक बुकिंग नहीं मिलता। ये भी बुकिंग गाइस मुझे ओला की तरफ से आया है, तो ये वाला राइट वाला बिल्डिंग बता रहे हमको लोकेशन के हिसाब से। तो पैसेंजर को कॉल करते और पिकअप करते हैं, फटाफट ड्रॉप करते ताकि जो हमारा अर्निंग है आज का जो सोचा वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मिलते होगा आपको थाना में, देखते कितना अर्निंग। गाइस वडाला से नॉन स्टॉप दो ट्रिप कंप्लीट किया, वडाला से गाइस मैंने जैसा आपको बताया कि ओला की तरफ से मुझे मिला था थाने का ट्रिप जो लगभग 34 किलोमीटर था, तो उसका मुझे मिला 391 और नॉन स्टॉप मुझे वापस वहाँ से बदलापुर का मुझे बुकिंग लगा जो लगभग 38 किलोमीटर था, तो उसका मुझे मिला 441 और अभी तक का टोटल मेरा चार ट्रिप कंप्लीट हो चुका है उबेर की तरफ से और अर्निंग मेरे 1550 रुपये का अर्निंग हो चुका है। और मेरा जो जो घड़ी का टाइम बज रहा है 12 बज रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 12 बजे तक अगर 1500 रुपये पे अर्निंग हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और मेरा अभी सीएनजी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, कल रात को मैंने सीएनजी भरा था घर पे जाते थे 529 का सीएनजी भरा था। ठीक है, और वहाँ से घर पे गया था एमटी गया था, तो वही सुबह वही यूज मैंने सीएनजी को यूज़ किया। अभी सीएनजी पूरे रेड पॉइंट पे आ चुका है, अभी मैं यहाँ पे वो बदलापुर में, तो मेरे बाजू में 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे सीएनजी पंप है, तो सीएनजी पंप पे सीएनजी भरते और एक ट्रिप कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं 1 से 1.5 बजे तक खाना खाने का प्रोग्राम बनाते। ठीक है, घर से आज टिफिन लेके निकला था, तो देखते अभी फटाफट। गाइज 12:15 बजे बदलापुर पहुंचा था, वहां से फिर मैंने सीएनजी भरा, सीएनजी भरने के बाद गाइज मुझे वहां से एक ट्रिप मिला था बदलापुर टू नाला सोपरा। ठीक है, मतलब वहाँ पे पैसेंजर के पास जाते जाते मुझे लगभग गाइज 12:15 बज गए क्योंकि जो जहाँ पे पैसेंजर का पिकअप था वहाँ पे एक रास्ता बनता, तो वहाँ पे पिकअप करने को ही मुझे लगभग 20 से 25 मिनट वहाँ पे मुझे लगे सीएनजी भरने के बाद में। मतलब लगभग 12:30 बजे 1:15 बजे मैंने पैसेंजर का पिकअप लिया नाला सुपर का, और अभी आप देख सकते हो गाइज लगभग 3:15 बजे मतलब 3:10 में अभी जस्ट पैसेंजर को यहाँ पे ड्रॉप किया, और पैसेंजर को ड्रॉप करने के बाद पैसेंजर से मैंने कैश कलेक्टेड किया 953 रुपीज़ और ऊपर से एक्स्ट्रा पैसेंजर ने 50 रुपीज़ मुझे एक्स्ट्रा दे दिया, और जो मेरा अर्निंग था वो लगभग 671 रुपीज़ मतलब लगभग 700 रुपये पकड़ो क्योंकि पैसेंजर ने 50 रुपीज़ मुझे एक्स्ट्रा दिया।
तो 700 रुपए का मेरा अर्निंग हुआ और लगभग किलोमीटर भी 69 किलोमीटर था, मतलब लगभग 10 रुपए पर किलोमीटर की मुझे हिसाब से ओला ने मुझे चार्ज पे किया और लगभग 2 घंटे 20 मिनट यहाँ पे मुझे लगे आने को। यहाँ पे अभी जस्ट अभी पैसेंजर को ड्रॉप किया विरार नाला सोपरा वेस्ट में, अभी जस्ट यहाँ पे 3:15 बज रहे हैं तो खा लेते हैं खाना फटाफट का। मैं अभी जस्ट पैसेंजर को यहाँ पे ड्रॉप किया तो पहले फटाफट खाना खा लेते हैं फिर देखते हैं यहाँ से कौन सा बुकिंग हमें मिलता है। पूरा यहाँ पे मतलब अभी गाड़ी छाव में खड़ा किया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से तो यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा धूप ऐसे लगता है क्योंकि पूरा ओपन एयर है यहाँ पे पूरा। ठीक है तो फटाफट पहले खा लेते खाना फिर मिलता हूँ गाइस मैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो गाइस खाना भी ना खा के हमारा हो गया, अभी यहाँ से निकलते अभी हम लोग और शाम के अभी गाइस 4 बज रहे हैं अपने सिद्धू घड़ी के अंदर और लगभग 2300 रुपये का अर्निंग मेरा हो गया। अभी थोड़ा फ्रेश है, थोड़ा 10 मिनट थोड़ा रेस्ट भी किया और ओला की तरफ से गाइस मुझे बुकिंग भी आ गया बोरोली का, तो फटाफट बुकिंग भी लेते और बोरोली जाते क्योंकि यहाँ से जल्दी बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वापस शाम को ट्रैफिक हो जाएगा। तो निकलते फटाफट यहाँ से, देखते कितना बिजनेस होता है। मैंने उबेर भी चालू किया और ओला भी चालू किया था तो मुझे ओला की तरफ से पहले ही बुकिंग आ गया, तो फटाफट लेते ओला का बुकिंग और देखते कितना आज का अर्निंग गाइस हो जाता है। तो गाइज हम लोग पहुंच गए अभी विरार में, यहाँ से बुकिंग है बोरोली का शाम के 4 बजे। बोरोली जाते जाते गाइज लगभग मुझे लगता है 6 बज जाएंगे और जो अर्निंग सोचा है। और उबेर के अंदर प्रमोशन है 9 ट्रिप का और यहाँ पे प्रमोशन है 8 ट्रिप का ओला की तरफ से 300 रुपये। और जो मैंने सुबह से ट्रिप कंप्लीट किया, लेकिन इसका सिस्टम ऐसा है कि ओला का आपको दोपहर के 12 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक आप कितना ट्रिप कंप्लीट करते हो उसके ऊपर है। तो अभी तक तो मेरा ओला के अंदर एक ही ट्रिप हो गया अगर 12 बजे के बाद अगर काउंट किया जाए तो, और अगर 7 ट्रिप कंप्लीट करता हूँ तो मुझे मिलता है 300 रुपये। मुश्किल है 7 ट्रिप, अगर शायद सुबह से काउंट होते तो शायद गाइस हो जाता था मेरा। तो इसके लिए गाइस मैंने कहीं ड्रॉप लोकेशन डाल दिया, ये बस स्टॉप है यहाँ पे, यहाँ से और 3 मिनट बता रहे हैं। स्टेशन है शायद, पता नहीं यहाँ का मुझे भी कुछ आइडिया नहीं इतना। यहाँ से लेफ्ट है, कभी कभी ऐसी जगह पे बुकिंग आ जाती है ना गाइस गाड़ी चलाने को टेंशन आ जाता है। वो तो चलो छोटी गाड़ी मिनी गाड़ी इसलिए भी इतना कुछ पता नहीं चलता, बाकी अगर किसका सेडन हो या फिर अर्टिगा हो तो दिक्कत आ जाता है। तो अभी कहाँ पे लोकेशन है पैसेंजर का क्या पता। तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा यहाँ पे, आगे रोड ही खत्म हो गया लगता है। ये रहा बोरोली वेस्ट, जस्ट अभी यहाँ पे मैं आया पैसेंजर को यहाँ पे ड्रॉप किया। 1 घंटा 21 मिनट लगा, मतलब 1.25 घंटा लगा मुझे गाइस यहाँ पे आने का। 40 किलोमीटर था लगभग 455 मुझे उसका ओला की तरफ से अर्निंग मिला। अभी यहाँ पे खड़ा हूँ बोरोली वेस्ट में, ओला भी चालू किया, उबेर भी चालू किया। उबेर से बज रहे सुबह भी वर्ली बज रहे, अंधेरी बज रहा है इस टाइम पे। वहाँ पे जाके काफ़ी खतरनाक, मतलब वहाँ पे मतलब इतना ट्रैफिक लगे कि पूछ मत। इसके लिए अभी इस साइड का मैं ट्रिप देख रहा हूँ कि यहाँ से अगर पनवेल साइड का अगर कोई ट्रिप मिलता है तो उसको लेते, और लगभग अर्निंग मेरा लगभग गाइस 2700 रुपये के लगभग अर्निंग हो गए देखते। और शाम के अभी गाइस बज रहे 6 बज रहे, मतलब लगभग 11 घंटे हो गए मुझे ऑनलाइन आके। सुबह 7 बजे काम किया था, कंटिन्यू चालू किया था, और 2700 रुपये अभी तक का मेरा हो गया। अभी वेट करते यहाँ से कौन सा बुकिंग यहाँ से मिलता है हमें और कितना हमारा आज का अर्निंग। गाइस फाइनली काफ़ी देर के बाद यहाँ से बुकिंग मिला मुझे विट्ठलवाड़ी का, नहीं तो सब अपना सब जो बुकिंग था गाइस सब वर्ली था, अंधेरी था, मालाड़ था, क्योंकि तो अभी फाइनली विट्ठलवाड़ी का बुकिंग मिला क्योंकि वहाँ पे वेस्टर्न साइड में काफ़ी ट्रैफिक है। छो ये विट्ठलवाड़ी का बुकिंग मुझे मिला, अभी इसको बुकिंग के लेते लगभग 40-45 किलोमीटर यहाँ से रहेगा विट्ठलवाड़ी। ठीक है, मतलब लगभग 3500 के लगभग अर्निंग वगैरह हो जाएगा अगर ये ट्रिप। अभी इतना टाइम लगता है इस ट्रिप को कंप्लीट करने को, और आज गए हम लोग का छोटा सा एक मीटअप है, मतलब हम लोग 6-7 लोग जो है जो वहाँ पे मिलने वाले, गेट टुगेदर होने वाला है, थोड़ा खाना पीना होने वाला है, डिनर होने वाला है, तो देखेंगे कुछ एक नया प्लान कर रहे, थोड़ी बातें डिस्कस करनी है, इसलिए थोड़ा मीटअप रखा था छोटा सा। ओके, उसके भी फुटेज आपको मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है। तो अभी निकलते यहाँ पे पहले पैसेंजर को लेते हैं क्योंकि ट्रैफिक इतना बढ़ रहा है अभी इस टाइम पे। पता नहीं आज कुछ तो शायद मुंबई के अंदर है इसके लिए ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो पहला लेते पिकअप और निकलते विट्ठल अड्डे के लिए, देखते कितना अर्निंग उसका होता है। एकदम बैठ गया, मतलब दो दिन से जैसे आपको बताया था कि टॉन्सन है, तो उसके से एकदम आवाज भी एकदम जाड़ा जाड़ा आ रहा है और गला भी एकदम पूरी तरीके से बैठ गया। शाम को 4 बजे के बाद सिर्फ 2 ही ट्रिप कम्प्लीट हो गए और रात के बज रहे 8:30 बज रहे और मैं इस वक्त हूँ गाइस उल्लासनगर में। मेरा 4 बजे के बाद जो पहला ट्रिप था बोरुली का, उसका लगभग 450 किलोमीटर मिला, ठीक है। और वहाँ से बोरुली से गाइस मुझे पिकअप मिला था दहीसर से, दहीसर टू उल्लासनगर, जो लगभग 45 किलोमीटर था, 47 किलोमीटर था। तो यहाँ पे जस्ट अभी पैसेंजर को ड्रॉप किया और उसका अर्निंग मुझे कुछ तो लगभग 534 रुपीज़ मिला। यहाँ पे मैं सारे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मतलब टोटल 2 ट्रिप कंप्लीट करने को मुझे टोटल 4.5 घंटे लगे, मतलब एग्जैक्ट 4 बजे मैंने ऑनलाइन कर दिया था खाना खाने के बाद में, क्योंकि जो बदलापुर से मैंने जो ट्रिप लिया था 2.25 घंटे लगे थे मुझे नाला सुपारा पहुंचने के लिए। मतलब वही अगर वहाँ से अगर जाते या आते तो समझ लेना कि 2 से 1 ट्रिप को कंप्लीट करने को 2 से 2.5 घंटे लग जाते, ठीक है। तो अर्निंग अच्छा मिला, नो डाउट 1 घंटा 20 मिनट लगा था मुझे यहाँ पे आने को, 1 घंटा 15 मिनट तो अर्निंग अच्छा हुआ और 550 रुपया अर्निंग मिला उसका भी। मतलब आज के दिन एक भी मुझे ऐसा कोई बुकिंग नहीं मिला जो सर्च में था, तो सर्च वाला बुकिंग कोई भी मुझे नहीं मिला, नहीं तो कभी कभी मिल जाता अच्छा खासा। अगर सर्च का बुकिंग मिल जाता गाइस तो अच्छा खासा अर्निंग हो जाता था। और रही बात दूसरी प्रमोशन की, तो प्रमोशन भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि 3 ही ट्रिप मेरे कंप्लीट हो गए 12 बजे के बाद में। उस 8 ट्रिप का मुझे 300 रुपया प्रमोशन मिलता है, बट हालांकि अभी तक टोटल 3 ही ट्रिप कंप्लीट हो गए और मैं जस्ट अभी उल्लासनगर पहुंचे, यहाँ से निकलो अभी गाइस, क्योंकि रात के जैसे मैंने बताया आपको उस रात के 8:30 बज रहे आप घर में देख सकते हो। और हमारा एक 9 बजे का एक इवेंट था, प्रोग्राम है, मतलब सिर्फ डिनर का, तो ऐसे बात करने वाले मिलने वाले यहाँ पे जो हमारे नए जो ग्रुप के अंदर, मतलब काफ़ी पुराने ग्रुप के अंदर है, तो आज उनसे मुलाकात हो रही है। गेट टूगेदर खाना पीना साथ में होगा, तो जो भी होगा आप लोगों को यहाँ पे मैं सारे फोटोज लगा दूंगा। अभी बज रहे 8:30 बज रहे, मतलब 9 बजे तक हमको पहुँचना था, मतलब सब 9 बजे तक हमको वहाँ पे पहुँचना था, बट इधर ही मुझे लेट हो गया, ठीक है। अभी निकलते हैं ऐसे डायरेक्ट गाइस घर पे, क्योंकि हमारे वजह से किसी और को लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल वापस सुबह निकलना है काम पे। तो मैंने सोचा कि यहाँ से निकलते पहले और जाके वहाँ पे मिलते हैं भाई लोगों को, और जो भी होगा आप लोगों को अपडेट कल की वीडियो में मिल जाएगा। तो गाइस आज का जो अर्निंग था लगभग 3,500 के, मतलब 3400 के लगभग मेरा आज का जो है अर्निंग हो गया। अगर प्रमोशन शायद मिल जाता तो लगभग 4,000 रुपया मैं टच कर देता था, और अभी भी अगर काम करता तो अभी भी मुझे मैं 4,000-4,500 अर्निंग कर लेता था, ठीक है। और अर्निंग अभी डेली अर्निंग करना है, डेली काम पे जाना है जो भी है, और डेली आप लोगों को ब्लॉग भी देना है, बस ये अभी ये काम पे फोकस है। अगले 1 महीने तक एक भी छुट्टी नहीं करूँगा, मतलब मैंने जो सोचा कि ये पूरे महीने, मतलब जो मई का महीना चालू है, तो मई का महीना मतलब आज का जो हमारा पहला दिन था, तो आज का दिन की शुरुआत तो अच्छी हो गई, अर्निंग भी अच्छा हो गया, तो ये सोचेंगे कि एक भी छुट्टी नहीं करेंगे, किसी भी तरह से वीडियो को अपलोड करना है और डेली काम पे भी जाना है, ये सब चीज़ फोकस करके, और अर्निंग भी ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करना है, ठीक है। तो ये महीना अर्निंग ज़्यादा है, तो अर्निंग कमाने का मौका है तो कमा लेते, और जो भी अर्निंग होगा आप लोगों को तो पता चल जाएगा। तो बस गाइस आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, आई होप मेरा गाइस आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, और इसी तरीके से आपको डेली वीडियो मेरा भी आपको ये पूरा मतलब गाइस मिलते रहेगा। तो इसी बात पे एक वीडियो पे लाइक कर देना और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस जल्दी एक नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत।